बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सो मिस्टेक्स इन कंस्ट्रक्शन के अंदर आज हम एक और मिस्टेक का जिक्र करेंगे। जब भी हम लोग कंस्ट्रक्शन करते हैं तो उसमें मिस्टेक्स आने के चांसेस होते हैं, दैट्स फॉर श्योर आएंगे, क्योंकि वो इंसानों ने बनाना होता है, तो इंसानों की वजह से उसमें कुछ ना कुछ मसले आ जाते हैं। अच्छा, आज हम जिस मसले का जिक्र करेंगे वो जहाँ पर भी आप लोग घरों के अंदर इस तरह के ये खिड़कियाँ लगाते हैं, तो उन खिड़कियों के प्लास्टर करते वक्त आप लोगों ने एजेस का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होता है। एजेस मींस दीज सर्फेसेस, ठीक है, ये जो सर्फेस है और ये जो सर्फेस है, इसकी आप आम प्लास्टर का भी बड़ा सा ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए, लेकिन इसका स्पेसिफिकली बहुत ज़्यादा ख्याल इसलिए रखना चाहिए कि इसका इफ़ेक्ट होता है इसकी जो खिड़कियाँ हमने लगाने हैं, एल्यूमिनियम की विंडोज़ लगाने हैं या फिर हमने वुड की विंडोज़ लगाने हैं, तो उस पर बड़ा सारा इफेक्ट होता है। अब यहाँ पर मैं आपको शो करता हूँ कि यहाँ पर जब प्लास्टर किया गया है तो ये देखिए आपको यहाँ पर एक सुराख सा नज़र आ रहा है। अब ये सुराख अगर सारा पूरा टॉप तक एक जैसा है तो ये ओके है, लेकिन अगर ये टॉप तक एक जैसा नहीं है तो फिर ये एक प्रॉब्लम है। अगर यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर ये जो सुराख है ये ज़्यादा है और टॉप पे ये काम है, तो ये एक मिस्टेक है जो कि प्लास्टर के वक्त हो जाता है। जब भी आप लोग प्लास्टर का काम करते हो तो इसमें आपको ये ख्याल रखना चाहिए कि जो सरफेस है ये बिल्कुल वर्टिकल हो, 90 डिग्रीज पर विद रिस्पेक्ट टू दिस। ये जो एंगल हो ना, ये फ्रॉम दिस बॉटम टू द टॉप ये 90 डिग्री ही हो। अगर ये बिल्कुल 90 डिग्री होगी तो आप लोगों ने, चूँकि इसके अंदर जो एल्यूमिनियम है और या फिर आपने वुड का काम करना होगा, वो एल्यूमिनियम और वुड बिल्कुल वर्टिकल होता है, तो अगर आप लोग इसको फिक्स सही तरह से नहीं करेंगे, ये जो वर्टिकलिटी है ये सही नहीं रखेंगे, तो इसका नुकसान ये होगा कि ये जो आप लोग एल्यूमिनियम या वुड का ये जो कोर रखेंगे ये प्रॉपर नहीं आएगा और इसके टेढ़ा लगने के चांसेस होंगे, ठीक है। और अगर ये टेढ़ा लग गया तो फिर यहाँ पर अगर आपको मैं दिखाऊँ, क्योंकि यहाँ पर ये गलती इतनी मिस्टेक बहुत बड़ी नहीं है लेकिन फिर भी है, तो ये जो अभी मैं मुँह फेर रहा हूँ ना, ये देखिए, तो ये चांस है कि ये पैर प्रॉपर मूव ना हो और ये जो फिक्सिंग है ये फिक्सिंग सही ना हो, ठीक है। तो अगर आप लोग ये मिस्टेक करते हैं अपनी साइड्स पर, यानी आप लोग ये नुकसान खुद को खुद ही दे रहे हैं, तो जब भी आप लोग प्लास्टर का काम करवाते हो अपने साइड्स पर, तो वो आप लोगों ने किस तरह से करना है कि ये जो वर्टिकल लाइन है ना, इसको बिल्कुल वर्टिकल 90 डिग्रीज पर इस के रिस्पेक्ट से रखी, तो ये जो गलती है ये नज़र नहीं आएगी। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मैं आपको सोल्यूशन बताऊंगा कि हमने किस तरह से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, अगर आपकी साइड पर ये आ जाए तो।